प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गतिशक्ति का नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया शुभारंभ। इससे सभी विभाग केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से एक दूसरे की परियोजनाओं पर रख सकेंगे नजर। पीएम गतिशक्ति से लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की आवाजाही के लिए सुलभ होगी एकीकृत कनेक्टिविटी, रोजगार के अवसर होंगे सृजित और आपूर्ति श्रृंखलाएं होंगी बेहतर। कोयला मंत्रालय ने 40 नई कोयला खानों के लिए नीलामी प्रक्रिया की शुरू। मंत्रालय के अनुसार कुल मिलाकर करीब 55 अरब टन कोयला संसाधनों की जाएगी नीलामी। देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा महाअष्टमी पर्व। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महाअष्टमी की दी शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबंध करने की दी मंजूरी। ये स्कूल विशिष्ट स्कूलों के रूप में होंगे संचालित और मौजूदा सैनिक स्कूलों से होंगे अलग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना 2041 के मसौदे को दी मंजूरी। इस मसौदे में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों का पुनरुद्धार, भविष्य की अवसंरचना, बहुस्तरीय परिवहन, आर्थिक गलियारा, पर्यटन, कृषि आय, कौशल विकास और रोजगार, स्मार्ट तथा डिजिटल, NCR और व्यापार सुगमता हैं शामिल। दिल्ली कोर्ट ने आतंकी अशरफ को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। बीते रोज दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी को किया था गिरफ्तार। आतंकी के पास से बरामद हुए थे हथियार और विस्फोटक सामग्री। देश भर में 96,43,00,000 से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। देश में स्वस्थ होने की दर हुई 98.06%। पेट्रोल डीजल की देश में बढ़ती कीमतों के बीच CNG PNG के भी बढ़े दाम। 12 दिन के बाद ये दूसरी बार है जब CNG PNG के दामों में हुई बढ़ोतरी।